तो दोस्तों वंस अगेन आई वेलकम यू बैक ऑन करियर काउच विद शुभंकर। दोस्तों हर बार करियर को लेके कुछ ना कुछ नई बात हम आपके सामने लाते जाते हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम धीमे धीमे करियर काउच गुरु तक पहुंच गए। स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसको लेके हमने हमेशा डिस्कस किया। आज जो बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके स्वास्थ्य को लेके। बहुत जरूरी चीज है। सामने एग्जाम्स हैं, तैयारी कैसे करेंगे, जो बच्चे इस समय इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद शुरू हो जाएगा कंपटीशन। लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहे, अगर स्वास्थ्य ठीक ना रहे, तो क्या ये कंपटीशंस में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और अहम बातें। अहम बातों में सबसे पहली बात यह है कि करियर काउच गुरु बहुत तेजी से अपना पांव पसार रहा है। आपके शहर तक भी हम बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। इस वजह से आपको हमारे एपिसोड्स और पुराने एपिसोड्स देखने चाहिए। देखने इस वजह से चाहिए ताकि आपको ये मालूमात रहे, ये पता रहे कि जिस करियर काउच गुरु सेंटर में आप जा रहे हैं, एक्चुअली वहां से आपको कौन से ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो इंफॉर्मेशन कौन सी हैं, वो सूचनाएं कौन सी हैं जो आपको मिल सकती हैं, आप इसका अच्छे से अच्छा फायदा कैसे उठा सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात है दोस्तों, जब हम लोग कभी काउंसलिंग की बात करते हैं, कंसल्टेंसी की बात करते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप उसको हल्के तौर पर ले लेते हैं। इसकी ज़रूरत क्या है, अरे हम पड़ोस से पूछ लेंगे, पला तो डॉक्टर है, उससे हम कुछ राय ले लेंगे, मशवरा कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो एक डॉक्टर है वो आपके बेटे को मेडिकल शिक्षा के लिए भी पूरी तरीके से प्रेरित कर सके या दिशा दिखा सके। उसके लिए आपको एक करियर काउंसलर के पास ही जाना पड़ेगा। तो अब जो ये दायरा आ रहा है, वंस द एग्जामिनेशन इज ओवर, एक बार जब खत्म होता है उसके बाद आपका बच्चा जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहेगा। उस समय मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज करियर काउंसलर्स के रोल को छोटा ना समझें। उनके पास जाएं, डिस्कस करें आपके बच्चे के लिए वाकई कौन सा कोर्स या कौन सा करियर सही रहेगा। ये बात समझ लें, एक बार जब बच्चा उस रास्ते पे बढ़ चुका होता है, फिर 2 साल के बाद उस पर रिग्रेट करना, ये कहीं ना कहीं उस बच्चे को डिप्रेशन की तरफ धकेल दे देता है। मत भूलिए कि आज के दिन में कोटा फैक्ट्री, जी हाँ, इस नाम से तो अब एक वेब सीरीज चल पड़ा है, वो शहर भरता चला जा रहा है स्टूडेंट से, लेकिन वहां पे होने वाले डिप्रेशन के केसेस, सुसाइड के केसेस, जो बच्चे बीमार होकर लौटते हैं, इसमें कोई कमी नहीं आ रही। और इसका वजह यह है क्योंकि हम लोग किसी ना किसी तरीके से बच्चों को पुश करना चाहते हैं अपने सपनों की तरफ। ये ना करें, बच्चों के सपनों में शामिल हो, उन पर अपना सपना न थोपें। छोड़िए, अब हम बात करते हैं आज के एपिसोड के ऊपर। आज हमारे साथ हैं मिसेस तान्या साहनी, जो कि एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटेटिक्स की भी एक्सपर्ट है। ये आज आपको बताएंगी प्रॉपर डाइट के बारे में। डाइट प्रॉपर होती क्या है? हम लोग जानते हैं कभी कभी फंस जाते हैं, या तो ओबीस हो जाएंगे या तो मैल न्यूट्रिशन में चले। मैल न्यूट्रिशन दोनों में हो सकता है। हम लोग जो खाते हैं आजकल स्विगी और जोमेटो के चक्कर में, ये हो गया है कि बच्चे जो हैं या तो बिल्कुल लीन एंड थिन या तो बहुत मोटे। कारण क्या? हम माँ बाप कुछ भी खाने देते हैं, खुद भी हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। गलती हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन इस गलती को जो है हम जेनेटिक डिसऑर्डर में नहीं बदलना चाहते। और इसी वजह से आज हमारे साथ एक प्रोफेशनल डाइटिशियन मौजूद है। तो आइए चलते हैं शिमुल के पास और बात करते हैं डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिसेस तान्या साहनी से। तान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो करियर काउच विद शुभंकर में। थैंक यू सो मच। तो तान्या जी जो है एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक डाइटेटिक्स है। तो मैम, अगर मैं नॉर्मल शब्द में पूछूं, ये डाइटेटिक्स क्या है, व्हाट इज इट? जब हम बात करते हैं डाइटेटिक्स की, डाइटेटिक्स का एक्चुअल मतलब है स्टडी ऑफ डाइट, स्टडी ऑफ राइट डाइट। तो मैं एक ग्रेजुएट हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में।
ओके, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी पूरी क्लिनिकल डाइट, यानी जब हम किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से की डाइट बनाते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, लिवर प्रॉब्लम्स होगी, इसके अलावा जो जनरल न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, मैल न्यूट्रिशन हो गया, इनकी जो स्टडी होती है, पूरी फिजियोलॉजिकल स्टडी को हम डाइटेटिक्स बोलते हैं। ओके, सो आपके बोलने का मतलब ये है कि हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये बैलेंस डाइट जो है, ये वर्ड हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो इसको अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज बैलेंस डाइट? शिमुल, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो हम 5 फूड ग्रुप्स को लेते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जब हमारी थाली, जो खाने की थाली में ये 5 फूड ग्रुप्स का समावेश होता है, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ओके, आपने आजकल सुना होगा, और कई लोग ये समझते हैं कि कौन सा खाना खाएं जिसमें फैट नहीं है, और ये सबसे गलत चीज़ है। फैट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे लिए, क्योंकि जितने फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, वो सारे जब तक हम फैट कंज्यूम नहीं करेंगे इन द राइट क्वांटिटी ऑफ कोर्स, तब तक वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो एक बैलेंस डाइट में ये 5 फूड ग्रुप्स का होना ज़रूरी है। जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वो हमें मिलते हैं सीरियल्स, यानी ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स से। जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो वो हमें दूध और दूध से बनी चीज़ें, प्लस दालें, प्लस जितने लेग्यूम्स हैं उनसे मिलते हैं। जब हम फैट्स की बात करते हैं तो जिस मीडियम में हमारा खाना बनता है, यानी ऑयल्स की हम बात करते हैं। जब हम विटामिन एंड मिनरल्स की बात करते हैं तो जितने हमारे फल और सब्जियां हैं हमें उनसे मिलते हैं। मतलब इन सब को मिला के हमें हमारा तंदुरुस्त आहार बनेगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये है तानिया मैम, हमारे जो शो के जो व्यूअर्स है वो सबसे ज़्यादा आज के यंग जनरेशन है। तो यंग जनरेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है एडोलेसेंस पीरियड के जो बच्चे हैं, बिकॉज नॉर्मली हमारा जो शो है वो जो 10+2 के बच्चे हैं उसके ऊपर का ही जनरेशन देखता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि मेन खाना वो तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वो फिगर कॉन्शियस होते हैं। तो या तो वो खाना नहीं खाएंगे, या तो खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे, और सबसे ज़्यादा उनका रहेगा आजकल जंक फूड। तो उस केस में आप जो है कैसे एक बैलेंस डाइट उनको किस तरीके से बताएंगे? देखिए, जो एडोलेसेंट पीरियड होता है वो शुरू होता है 13 साल से। 13 साल से लेकर 18 साल का जो पीरियड होता है, इसमें बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि बच्चा इमोशनली भी डिसाइड नहीं कर पाता बहुत सारी चीज़ें। एंड वहाँ पर रोल एज अ पेरेंट, क्योंकि मेरी खुद 2 डॉटर्स हैं, तो वो वहाँ पर आ जाता है रोल। जब हम बात करते हैं कि आजकल हमारे बच्चे जंक फूड की तरफ जा रहे हैं और इजी फूड्स को रीच करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर रोल हमारे हम एज पेरेंट्स का भी बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे वही फॉलो करते हैं जो हम करते हैं। जितना कॉर्पोरेट कल्चर आजकल आ चुका है, इट्स बिकम अ 5-day week वर्किंग हो गई है। सैटरडे संडेज को usually women चाहती हैं कि they want an off from the kitchen and they don't want to cook anything. And Swiggy, Zomato वहाँ से start होता है। यहाँ से शुरू होता है। But मैं Swiggy और Zomato platforms को गलत इसलिए पूरी तरीके से नहीं कहूँगी, क्योंकि वो platforms बहुत सी healthy food choices की तरफ भी ले जाते हैं। ये लेकिन हमारा choice है, हम क्या करें। जो जितना adolescent period है वो growing period आता है। इसमें बहुत सारे जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, यानी जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं, वो बहुत बहुत ज़रूरी हो जाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पढ़ाई का लेवल बिल्कुल बढ़ता चला जाता है, और उनका फिज़िकल एक्टिविटी भी जो है वो भी कहीं ना कहीं या तो इंक्रीज़ होती है, कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होती है। तो दैट मीन्स द जो फूड जो उनके मसल और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, जो उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए, उस तरीके की फूड्स इंक्लूड करने चाहिए। जब हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स की बात करते हैं तो हाई प्रोटीन फूड्स की बात होती है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, दूध और दूध से बनी चीज़ें, दालें, वो ज़रूर ज़रूर बच्चे की डाइट में होनी ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग, 1 egg per day is a major requirement for every adolescent person, adolescent child.
ओके, तो आपके हिसाब से जो है एक बच्चे का, बच्चा तो मैं नहीं बोलूंगी, ये सब बड़े ही बच्चे हैं, तो इनका जो दिन की शुरुआत होनी चाहिए वो प्रॉपर फूड से स्टार्ट होनी चाहिए. दे शुड नॉट स्किप इवन अ सिंगल ब्रेकफास्ट ऑल्सो. सो शुरुआत में प्रॉपर मील ले एंड उसके बाद अपनी दिनचर्या जो है उसको स्टार्ट करें. तो प्रॉपर मील्स को लेते हुए एक ब्रेकफास्ट से जो है, हेल्दी ब्रेकफास्ट से वो अपना दिनचर्या स्टार्ट करें. राइट, करेक्ट. जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो एक किंग की तरह होना चाहिए, एक लंच होना चाहिए वो एक क्वीन की तरह होना चाहिए, और जो एक डिनर यानी जो लास्ट पार्ट ऑफ द डे है वो एक पॉपर यानी एक बेगर की तरह होना चाहिए. इसके कहने का मतलब है दिन की शुरुआत जो होनी चाहिए वो एक प्रॉपर कंप्लीट मील से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई वो होता है सुबह एंड धीरे धीरे वो लो होता चला जाता है. और हमें एनर्जी भी सुबह ही सुबह चाहिए. और आजकल मैं देखती हूँ कि जितने एडोलेसेंट हैं जो इनका स्लीप का जो रूटीन है दैट्स वेरी वेरी बैड. तो जब वो स्लीप रूटीन करेक्ट नहीं होता है, वो सुबह देर से उठते हैं, वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो इंटायर डे का जो उनका जो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है. इसीलिए ब्रेकफास्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे. बट द थिंग इज दैट जब वो सुबह कॉलेज या स्कूल के लिए जाते हैं तो इतनी जल्दी में होते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते. तो उस केस में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं हमेशा, चाहे वो एडोलेसेंट बच्चा हो चाहे वो हम आप हो, हमारे दिन की शुरुआत जो होनी चाहिए वो पानी से होनी चाहिए. अब वो पानी आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट योर डे विद दैट. एंड जो बच्चे बड़े हसल बसल में सुबह होते हैं जाने के लिए, अगर वो एक कप दूध और एक फ्रूट मॉर्निंग में ले लेते हैं तो उनका एनर्जी लेवल एकदम से हाई हो जाता है. एंड एज पेरेंट्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका ब्रेकफास्ट ज़रूर पैक करके उनको साथ में दें, सो दैट कि वो कैंटीन में या मेस में या कहीं ऐसी चीज़ पे जहाँ पे उनको एक हेल्दी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे वो ना उसको ऑप्ट करें. अगर उनके पास घर से ही होगा तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को ऑप्ट करेंगे. डेफिनेटली. लेकिन एक जो मेजर क्वेश्चन आता है जो आजकल स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो फैट, जैसे कि आपने भी अभी बताया कि फैट इनटेक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बट दे स्किप इट नॉर्मली. तो लेकिन हम लोग ये भी सुनते हैं कि गुड फैट बैड फैट, तो उसको जो है आप प्लीज़ स्पेशली हमारे गर्ल चाइल्ड को बताइए कि किस तरीके से वो अपनी इनटेक कर सके. देखिए, पहली चीज़ तो मैं एक मिथ को, जो एक भ्रांति है कि ज़ीरो फिगर, तो ज़ीरो फिगर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. तो जितने भी ये जो टीनेजर गर्ल्स हैं जो इस तरीके की लय पे चले जाते हैं कि हमको ज़ीरो फिगर चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. सेकंड चीज़ हमारी आती है कि गुड फैट एंड बैड फैट. गुड फैट वो है जो हमें नेचुरली फूड से मिल रहा है, और बैड फैट वो है जो कि प्रोसेस्ड फूड से मिलता है हमको, जैसे कि पिज्ज़ाज, बर्गर्स, ये जितना भी हुआ ये प्रोसेस्ड फूड में आ जाते हैं. आपके चिप्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए. गुड फैट क्या है? सपोजिंगली मैंने रोटी खाई या मैंने चावल खाया या मैंने दाल खाई, उसके अंदर भी फैट होता है. दाल में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट भी होते हैं, प्लस द कुकिंग ऑयल का जो मीडियम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, देसी घी यूज़ कर रहे हैं, वो दैट इज़ द फैट दैट वी शुड बी टेकिंग एंड नॉट द प्रोसेस्ड फैट. और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, जितनी भी टीनेजर्स हैं वो अपने फिगर एंड स्किन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, तो अगर ये गुड फैट वो इनटेक नहीं करते हैं तो विटामिन ई, जो बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है फॉर आर स्किन, फॉर आर हेयर, अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको वो नहीं मिलता है. इसीलिए बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं बच्चों में. जी बिल्कुल, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिकॉज टीन एजर्स में सबसे ज़्यादा आई थिंक मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ये प्रॉब्लम होता है, एक्ने इश्यूज एंड सबसे ज़्यादा पिम्पल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, तो इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो विटामिन ई है इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, और जब ये एडोलेसेंट एज होती है इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं. इन हार्मोनल चेंजेस से नेचुरली पिंपल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, बट
कुछ ऐसे भी एक्ने प्रॉब्लम आती है जो फूड रिलेटेड आती है. Okay. जब हम जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, जब हम फ्राइड फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, तब ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, तब हमारे स्किन पर ये चीज़ें शो होने लगती हैं. या हमारा पानी का इनटेक, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पानी पीना ही भूल जाते हैं. हाँ. वो अगर हम 10 से 12 ग्लास पानी का इंटेक नहीं करते हैं तो हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, डल होने लगती है, एंड फिर हमारे स्किन के इश्यूज आते हैं. तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही निवारण है, टू हैव बैलेंस्ड डाइट, टू गिव एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ गुड फिजिकल एक्टिविटी. यानी वो वॉक हो सकती है, वो जॉग हो सकती है, वो योगा हो सकता है. आजकल जिम्स अवेलेबल हैं. अगर आप घर पे नहीं कर सकते हो, मोटिवेशन लैक करते हो, तो आप एक वेलनेस सेंटर में भी जा सकते हो. बट कोई ना कोई 30-40 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर द फिजिकल हेल्थ बट आपके मेंटल हेल्थ. हाँ जी बिल्कुल. तो स्टूडेंट्स, हम आपको हर एपिसोड में हम ये बोलते रहते हैं कि इश्यूज जो भी है वो तो आता ही रहता है, लेकिन आपकी मेंटल जो बैलेंस है, जो मेंटल हेल्थ है, उसके लिए एक 30 मिनट्स का वॉक हो गया. आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने वॉक कर लिया तो आई थिंक ये भी इशू आपका सॉल्व होने वाला है. तो तानिया जी, अब मैं इसी के आगे अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं, अगर मैं एक माँ हूँ तो मुझे एज अ मदर या एज अ पेरेंट मुझे नहीं समझ में आएगा कि मेरा बच्चा बहुत ही ओबीज है, ओवरवेट है, या फिर माल न्यूट्रिशन है. क्योंकि एज अ पेरेंट तो हम अपने बच्चे को प्रॉपर फूड ही हमेशा देना चाहेंगे, है ना. तो वॉट इज़ दैट राइट टाइम जहाँ पे उनको एक्चुअली पता करना चाहिए कि हाँ जी मेरा बेटा ओबीज है या तो माल न्यूट्रिशन है. कुछ पैरामीटर्स होते हैं इसके, जो हम उन पैरामीटर्स को अगर यूज़ करते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे बच्चे का वेट एंड एक्टिविटी क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. हम एक पैरामीटर होता है बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, जो किसी भी वेलनेस सेंटर में भी या डॉक्टर्स के पास भी देयर इज़ एन इक्विपमेंट जो ये बता सकता है कि फैट परसेंटेज बॉडी में कितनी है, लीन बॉडी वेट आपका कितना है, लीन बॉडी वेट मतलब मसल्स और बोन्स का वेट कितना है, वाटर परसेंटेज कितनी है, एंड मेटाबॉलिक रेट क्या है, आपका BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है. कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, अगर हम वेट की बात करते हैं तो BMI की बात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की. बट जनरली अगर आपके पास ऐसे कोई पैरामीटर्स नहीं हैं तो माइलस्टोन्स एंड एज, अगर सारे माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं प्लस एज को वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, वेट दोनों का जो है पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. बच्चा अगर एक्टिव है और डिजीज़ फ्री है जब हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि इवन इफ द चाइल्ड इज लीन दैट मीन द चाइल्ड इज़ हेल्थी. एंड अगर बच्चा ओबीस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल एक्टिविटी लैक कर रही है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स प्यार और दुलार में उसको ओवर ईट करा रहे हैं. क्योंकि देखिए, हमारा पेट जो है ना, दैट इज़ दी साइज ऑफ अ फिस्ट, यानी हमारे हाथ के फिस्ट के साइज का होता है, बट हम उसको ओवर ईट करते 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 डिस्टेंड होता जाता है. सो जब तक वो इतना फिल नहीं होता है, हमारी भूख नहीं कंप्लीट होती है. इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है, पोर्शन मना करते हैं, सेकेंड हेल्प है वो आप नहीं लो, इसीलिए वो ज़रूरी. बिकॉज अगर आप BMI की बात करें तो नॉर्मली ये वाला जो एज ग्रुप है, इसमें नॉर्मली पेरेंट्स नहीं लेके जाते हैं, घर पे ही जो है वो आई थिंक अंदाज़ा लिया जाता है, या फिर पड़ोसी जब आके बोलते हैं अरे आपका बच्चा मोटा है, आपका बच्चा देखो कितना पतला है, है ना. तो दैट इज़ आई थिंक दैट शुड बी द करेक्ट टाइम कि एक बार पेरेंट उसको चेक करे. बिल्कुल. बिकॉज सबसे ज़्यादा मैं जो देखती हूँ, मैं जो बच्चों के साथ बात करती हूँ, वो या तो बहुत खाना खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाना खाते हैं. खाने में बहुत ज़्यादा इश्यूज है. एक्चुअली बच्चे जो ये एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं ना, वो फिंगर फूड्स को रीच करने की कोशिश करते हैं. बहुत इजी फूड्स हैं घर में, हमारे पास बिस्किट्स अवेलेबल है, मैगी अवेलेबल है, एंड विच इज़ एन ईजियर ऑप्शन. अगर हम ही एज पेरेंट्स एक रोल मॉडल बनाएं कि नहीं, आपने ब्रेकफास्ट में दूध लेना है, आपने एक सीरियल लेना है, पोहा इडली उपमा कोई भी एक चीज़ लेनी है, एंड आप बच्चे की विसिनिटी में आप नट्स रखें, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट,
तो वो अल्टीमेटली इन्हीं को ऑप्ट करेगा. यस, एंड हम जो जो हेल्दियर ऑप्शन होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो विदाउट टेस्ट होते हैं. तानिया जी, एक और जो आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, मैं अगर बोलूँ इंस्टाग्राम ट्रेंड चल रहा है, जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, वो है नो ऑयल कुकिंग. वो बिल्कुल ही ऑयल नहीं यूज करना चाहते. आई थिंक दे वुड प्रेफर की वाटर बेस्ड कुकिंग. सो ये क्या है, ये एक्चुअल में हेल्दी है, इसको आप क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, आजकल जो भी इंटरनेट पे आता है ना, इट बिकम्स अ फैड. तो ये भी एक फैड जो डाइट्स आ रही है ना, उसी का पार्ट है, जीरो ऑयल डाइट या ऑयल फ्री डाइट. ऑयल फ्री डाइट नॉट नेसेसरली दैट इट इज़ हेल्दी फॉर योर बॉडी. बिल्कुल भी ये फैक्चुअल नहीं है. मैंने बताया कि ऑयल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. आपका ऑयल का मीडियम क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है. जब भी हम काउंसलिंग करते हैं, हम हमेशा एक क्वांटिटी मेंशन करते हैं, पोर्शन साइज मेंशन करते हैं. यानी ऑयल कितना लेना चाहिए, 2 से 3 चम्मच, यानी 10 से 15 ग्राम हमारे इंटायर डे में ये कंपलसरी इंक्लूडेड होना चाहिए. जैसे कि मैंने बताया कि ऑयल इज अ सोर्स ऑफ फैट, एंड फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. वो हम इज अ फैट इज एन एनर्जी गिविंग फूड टू अस. अगर हमारे रूटीन में फैट नहीं होगा, तो हमारे एनर्जी लेवल्स, यू विल सी दैट दे आर वेरी वेरी डाउन. हम लेजी महसूस करेंगे, हम टायर्ड महसूस करेंगे थ्रू आउट द डे. और अडोलेसेंट को तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये फैट डाइट्स पे ना जाए. वंस इन अ वीक और वंस इन 10 डेज, जब ये लग रहा है कि बहुत रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, तो एक दिन एक मील वो ले सकते हैं, बट नॉट कि आप बिल्कुल ज़ीरो ऑयल पर आ जाए. ओके, एंड जो आप कुकिंग ऑयल के बारे में बता रही है, आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट क्या गाइड करती है? मैं हमेशा गाइड करूँगी कि देसी घी, सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल, दीज आर द ऑयल्स जो कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड यानी MCTs में एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिच होते हैं. दे आर वेरी वेरी हेल्दी और इन्हीं में ही कुकिंग होनी चाहिए. वी डू नॉट वी शुड मतलब हमारे कोई ज़रूरी नहीं हम ऑप्ट करें बहुत ही एक्सपेंसिव ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल है. ये हमारे जो ऑयल्स हैं जो हमारी नानी दादी जो ये यूज़ कर रही थी, एक्चुअली यही हमारी बॉडी के लिए करेक्ट है. ओके, तो बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आप लोग जो देसी घी नहीं खाते, तो उसमें ज़रूर आपके फूड में इंटेक करिए. अब मैं सीधे सीधे एग्ज़ाम्स के जो बच्चे हैं, मेनली हमारे जो बोर्ड्स अपीयर हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपसे पूछूंगी. बिकॉज सबसे ज़्यादा बिल्कुल खाना नहीं चाहते, बिकॉज आई थिंक लास्ट मिनट जो स्टडी है वो उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं. एंड एक बहुत और प्रॉब्लम है, वो है स्लीप डिस्टर्बेंस. जब नहीं सोएंगे तो ऑब्वियसली आपने भी बोला कि सुबह भी उनका डिस्टर्ब होगा. तो इस टाइम पे जो है, आप क्या एक प्रॉपर एक डाइट मैं आपसे चाहती हूँ कि आप बच्चों को प्लीज समझाएं. बिल्कुल, एग्जाम टाइम यानी प्रेशर टाइम, चाहे वो लाइफ का एग्जाम है चाहे वो बोर्ड्स है, तो जो प्रेशर टाइम होता है उस पर मेंटल प्रेशर बच्चों पर बहुत ज़्यादा होता है. किस तरीके से होता है, वो चाहते हैं जो भी हमने याद किया है वो रिटेन भी हो. तो हम कुछ ऐसे फूड्स की बात कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में. ये पेरेंट्स को गाइड करूँगी कि उनका फोकस कॉन्सेंट्रेशन लेवल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. जब हम बात करते हैं दिनचर्या को स्टार्ट करने की, तो जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग में हमने 1 से 2 ग्लास गर्म पानी से शुरुआत किया, उसके आधे घंटे बाद 5 भीगे बादाम, 2 भीगी अंजीर और 2 भीगे अखरोट. ये हम क्यों इंक्लूड करें डाइट में, इसलिए क्योंकि दीज आर वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि मेमोरी रिटेंशन में और फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में बहुत अच्छे होते हैं. इसके अलावा जब हम ब्रेकफास्ट की तरफ आते हैं, तो कम से कम 300 से 500 ml दूध, दैट शुड बी देयर. उसके बाद एक सीरियल और एक फ्रूट.
सीरियल की बात करें तो जैसे जिसका रूटीन है पोहा हो गया, इडली हो गई, उपमा हो गया या एक एग हो गया, आप जरूर इंक्लूड करें डाइट में. ओके. बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं तो कुछ मंचिंग का उनका मन करता रहता है, तो जो बीच में हम बात करें तो उनका रूटीन ऐसा नहीं कि हर 2 से 2.5 घंटे में हम उन्हें कुछ ना कुछ देते रहे. तो उनका स्टडी टेबल पे अगर हमने 100 ग्राम मखाने रख दिए और हमने जो चने हैं वो रख दिए, इनफैक्ट चने भी आप भीगे हुए चने भी इंक्लूड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, तो वो हमने उनके रख दिए, तो वो बीच बीच में उसको मंच कर सकते हैं. लेकिन ये भी इंश्योर पेरेंट्स करें कि 2 से 2.5 घंटे के बाद एक फ्रूट बच्चा जरूर जरूर लें. देन जब हम लंच पर आते हैं तो 2 रोटी, सब्जी, दाल, दही. दही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि इट्स वेरी रिच इन कैल्शियम और बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा होता है. एंड इसके साथ साथ फाइबर रिच भी होनी चाहिए हमारी डाइट. तो जनरली क्या होता है, स्लीप रूटीन डिस्टर्ब होने के प्रेशर होने की वजह से बच्चों का मोशन प्रॉपर नहीं होता है. तो जब वो एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये दिक्कत आती है, इसीलिए फाइबर इंक्लूड करना बहुत जरूरी है. एंड देन डिनर कैन बी द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, जिसमें कि बच्चे एक रोटी सब्जी जो उसको लेना हो. एंड जो ये स्टडी रूटीन है जो ये आजकल बच्चों का, ये रात में हम पढ़ेंगे, रात में हमें बहुत अच्छा लगता है, मैं ये जरूर कहूँगी कि 11, 11:30 मैक्सिमम 12 बजे के बाद बच्चा ना पढ़े, अर्ली मॉर्निंग पढ़े, वो ज़्यादा रिटेन होगा बच्चे को. डेफिनेटली. तो बच्चों आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा आज हेल्प मिली तानिया मैम से कि एक प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है और उसकी क्या रोल है आपके लाइफ में. तो इसको प्लीज़ फॉलो करिए और जो बच्चे बोर्ड्स में अपीयर हो रहे हैं प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, बिकॉज अगर हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो कंसनट्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और अच्छे नंबर्स भी नहीं आएगा फिर. सो थैंक यू सो मच तानिया मैम फॉर कमिंग टू आवर शो. तो स्टूडेंट्स, कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ हम मिलते हैं अगले हफ्ते रात के 9 बजे ओनली ऑन प्राइम टीवी. थैंक यू. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.